नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन के बारे में। देखा जाए दोस्तों सन 2023 में अजय देवगन ने भले कुछ खास कमाल नहीं किया हो, लेकिन सन 2024 ऐसा माना जा रहा है कि जैसे मानो अजय देवगन बॉक्स ऑफिस में पैसों की बारिश करने वाले हैं और एक नया इतिहास और नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। क्योंकि अगर हम बात करें सन 2024 की, तो जहां उनकी मूवी सिंघम 3 रिलीज होनी है 15 अगस्त को, और ये मूवी कितनी बड़ी मूवी है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस मूवी के अंदर देखा जाए पूरा का पूरा आधा बॉलीवुड घुसेड़ दिया गया है। क्योंकि अगर हम इसकी स्टार कास्ट और कैमियो की बात करें, तो जहां इसमें अजय देवगन और करीना कपूर तो लीड रोल में दिखाई देंगी, साथ में देखा जाए इसमें रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, जैकी श्रॉफ, अर्जुन कपूर, विक्की कौशल जैसे भरे पड़े इसमें स्टार भी देखने को मिलेंगे और दीपिका पादुकोण भी देखने को मिलेगी। ऐसे में ये मूवी रिलीज होने से पहले ही ब्लॉकबस्टर हिट मूवी मानी जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि अजय देवगन के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन जाएगी। और वहीं देखा जाए हाल ही में अजय देवगन की एक और मूवी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है और उस मूवी का नाम है औरों में कहां दम था। देखा जाए दोस्तों ये जो मूवी है 24 अप्रैल 2024 को रिलीज हो रही है और ये भी मूवी हिट होने वाली है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस मूवी में अजय देवगन के साथ है तब्बू, और देखा जाए दोस्तों ये जोड़ी जब जब बड़े पर्दे पर आए हैं तो यकीन मानिए इस जोड़ी ने कभी भी फ्लॉप का मुंह नहीं देखा है। इसने हमेशा या तो सुपर हिट मूवी दी है या फिर हिट मूवी दी है। और ऐसे में इस मूवी के जो डायरेक्टर है नीरज पांडे, उन्होंने भी अपने कैरियर में जो भी मूवी बनाई है काफी शानदार रही है। चाहे फिर उनकी ले लीजिए एमएस धोनी मूवी, चाहे ले लीजिए अक्षय कुमार के साथ बेबी बेबी मूवी, चाहे ले लीजिए एवेनेस्टे मूवी, ये भी मूवी देखा जाए काफी तगड़ी हिट रही थी। ऐसे में डायरेक्शन को लेकर के इस मूवी में कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि ये भी मूवी सुपर हिट होने का दमखम रखती है। और वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं अजय देवगन की सन 2024 में ही बस मूवी भी रिलीज होने वाली है। दरअसल अभी तक के इसका ऑफिशियल नाम नहीं अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन कुछ रिपोर्टों के हिसाब से बताया जा रहा है कि इस मूवी का नाम शैतान होने वाला है। और दोस्तों ये तो आपको मालूम है कि अजय देवगन जब भी अपने कैरियर में किसी भी मूवी का रीमेक बनाते हैं तो उस मूवी का तो हिट होना तय माना जाता है। फिर चाहे उनकी सिंघम सीरीज ले लीजिए, चाहे फिर की गोलमाल सीरीज ले लीजिए। और देखा जाए दोस्तों हाल ही में उन्होंने कैथी मूवी का भी रीमेक बनाया था साउथ की भोला, और जबकि वो उसकी 2 कॉपी थी और कैथी मूवी हिंदी में डबिंग थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी भोला मूवी ने 100 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन करके एवरेज हिट का टैग प्राप्त कर लिया था। ऐसे में दोस्तों बस मूवी भी ये कहना गलत नहीं होगा कि अजय देवगन की ये मूवी भी सुपर हिट हो सकती है। और इस मूवी में अजय देवगन के साथ है आर माधवन, जो कि काफी अनुभवी एक्टर माने जाते हैं। और वैसे भी हॉरर मूवी देखा जाए अजय देवगन जब जब बनाते हैं तब तब उनकी मूवियां हिट हो ही जाया करती हैं। ऐसे में इस मूवी की भी गारंटी अभी से ही तय मानी जा रही है कि अजय देवगन की ये भी मूवी हिट या सुपर हिट हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें सन 2024 में ऐसा माना जा रहा है कि उनकी मूवी मैदान रिलीज हो सकती है, जो कि देखा जाए ये जो मूवी है इस मूवी को डायरेक्ट किया है बोनी कपूर ने और ये मूवी काफी बार पोस्टपोन हो चुकी है। अगर हम कुछ रिपोर्ट की माने तो इस मूवी के अंदर अब 3D में काम चल रहा है, जिस वजह से ये मूवी इतनी बार पोस्टपोन हो चुकी है और ये मूवी अब सन 2024 को रिलीज हो जाएगी। लेकिन अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है और जैसे ही इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी हम आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वहीं दोस्तों अगर हम मैदान के बारे में बात करें तो ये जो मैदान मूवी है इसमें अजय देवगन फुटबॉल कोच की भूमिका निभा रहे हैं और इसकी कहानी इतनी बेहतरीन मानी जा रही है, बताया जा रहा है कि इस मूवी से अजय देवगन को एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल सकता है। यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें जो सन 2024 है वो अजय देवगन का पक्का होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी माना जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस में अजय
देवगन पैसों की बारिश करने वाले हैं और सन 2024 में सबसे ज्यादा कमाई करके बॉक्स ऑफिस को देने वाले हैं। वैसे आपकी क्या राय है इन बातों को लेकर के कमेंट में हमें जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे और अजय देवगन से जुड़ी कोई बड़ी अपडेट निकल करके सामने आती है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं हम आप तक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।